हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे कि स्विगी एप्लीकेशन पर आप खाने की बुकिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और अपने फर्स्ट ऑर्डर पर किस प्रकार से आप डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्विगी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यदि आप पहले से इस पर अकाउंट बना रखे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी रेस्टोरेंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी रेस्टोरेंट से आप खाना मंगाना चाहते हैं आप यहां से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां से उस रेस्टोरेंट से आप खाने के ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां एक रेस्टोरेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इस रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो जैसा कि हम यहां एक रेस्टोरेंट को यहां सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि हंगरी होप, और हम इस रेस्टोरेंट से हम अपने खाने की ऑर्डर कर लेते हैं और हम यहां से जान पाएंगे कि हम इस रेस्टोरेंट में क्या क्या डिश अवेलेबल है। तो चलिए हम कुछ यहां वेज और नॉन वेज जो है ऑर्डर कर लेते हैं। आप जो भी डिश पसंद करेंगे उसके नीचे जो है ऐड का ऑप्शन, आप उस पर ऐड पर क्लिक कर लें। उसके बाद हाफ फुल जो है सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जितनी क्वान्टिटी चाहिए आप प्लस के निशान पर क्लिक करके उसे क्वान्टिटी जो है आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम पनीर चाउमिन और यहाँ ऑर्डर कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ ऑर्डर करने के लिए फिर से हम ऐड पर क्लिक करते हैं और यहाँ फुल पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करके दो प्लेट पनीर चाउमिन और दो प्लेट चिकन चाउमिन जो है ऑर्डर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ ऐड एड्रेस टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ 149 का जो है डिस्काउंट मिल चुका है। जैसे आप यहां एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां अपना लोकेशन जो है यहां दिख जाएगा। आपने जो एड्रेस यहां पहले से अकाउंट बनाते समय दिया था वो आपको यहां दिख जाएगा। यदि आप किसी दूसरे एड्रेस पर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप उस इस मैप के ज़रिए आप वहां उस एड्रेस को यहां ऐड कर सकते हैं या आप उसे टाइप करके भी यहाँ उस एड्रेस को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जैक्ट जो है मेरा नेट काम नहीं करने के कारण जो एड्रेस है ठीक से यहाँ नहीं बता पा रहा है तो हम इसे टाइप कर लेते हैं और यहाँ सारा एड्रेस फिल करने के बाद लोकेशन लैंडमार्क फिट करने के बाद आप यहाँ हम यहाँ होम को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो है पेमेंट करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है तो प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लें। तो चलिए हम यहाँ प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप यहां मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबी कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहां कैश ऑन डिलीवरी जो है पे विथ कैश जो है हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। जब आपके घर पर खाने जो आएंगे आप उसी समय उसे पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आपके खाने मंगाने का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप स्विगी एप्लीकेशन पर खाने की बुकिंग कर सकते हैं और उस लोकेशन को आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो बंदा कितने देर में आपके घर पर वो खाने को लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।